छत्तीसगढ़ बीजेपी आज विधानसभा का घेराव करेगी। मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत ये घेराव होने जा रहा है। घेराव में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर शामिल होंगे और उसके साथ ही झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास भी आज के इस घेराव में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे हैं। और बीजेपी ने दावा किया है कि आज के इस प्रदर्शन में बड़े घेराव में 1,00,000 लोग शामिल होंगे। और आपको भी याद होगा, इससे पहले बीजेपी ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया था। हितग्राहियों से कहा गया था कि यदि आपके साथ भी मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत धोखा हुआ है तो आप उस टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल कीजिए और इस अभियान से जुड़िए। और ऐसे में बीजेपी आज दावा कर रही है कि 1,00,000 लोग जुटने जा रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा है कि आज के इस घेराव में 75% वो लोग शामिल होंगे जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तो बीजेपी के सभी बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। जिला ब्लॉक स्तर पर भी आज ये बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर रही है और अब आज बीजेपी का मेगा प्रदर्शन का पूरा अपडेट आपको आईबीसी 24 पर देखने को मिलेगा। और बीजेपी ने बड़ा दावा किया है कि आज के इस प्रदर्शन में बड़े घेराव में 1,00,000 लोग शामिल होंगे। समझा जा सकता है बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड पर है। इससे पहले भी हमने देखा कि बीजेपी ने बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं, रोजगार को लेकर के, दूसरे कई मुद्दों को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के, और आज प्रधानमंत्री आवास योजना मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत बीजेपी आज मेगा प्रदर्शन करने जा रही है। और ये प्रदर्शन कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि लगातार हमने देखा कि मैराथन बैठकों का दौर रहा। आज के इस प्रदर्शन को लेकर के बड़े पदाधिकारी नेता लगातार रायपुर के दौरे पर रहे, एक के बाद एक बड़ी बैठकें हुई, उन बैठकों के जरिए रणनीति बनी। और माना जा सकता है कि न सिर्फ विधानसभा चुनाव 2023 बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आज का यह घेराव प्रदर्शन बेहद बड़ा रहेगा। तो रायपुर में बीजेपी की मेगा प्रदर्शन पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी बयान दिया है। गरीबों को पीएम आवास नहीं मिला है, ऐसा कहना है नारायण चंदेल का। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार आंकड़े छुपा रही है। बीजेपी विधायक दल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। पीएम और राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा गया है। पीएम आवास सहित अन्य मुद्दों की शिकायत करेंगे। प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे को लेकर भाजपा आज जो है विधानसभा घेराव करने जा रही है और इस वक्त मेरे साथ जो है नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी है। नारायण चंदेल जी, आपसे सीधा सवाल। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो आप लोग मिस कॉल करवा रहे हैं और जो हम फॉर्म भरवा रहे हैं आवास के लिए, उसके पूरे आंकड़े दे दिए जाए, तो आपसे यही है कि आप क्या आंकड़े देंगे कि आप उस पर जो है काम करेंगे? मुख्यमंत्री जी, इधर उधर की बात मत करें, आंकड़े मत मांगे। जो हितग्राही है उनको प्रधानमंत्री आवास दें। आप लोग जो है आंकड़े भी गलत दे रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का कहना है कि रमन सिंह जी अलग आंकड़े दे रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी अलग आंकड़े दे रहे हैं, आप नारायण चंदेल जी आंकड़े गलत दे रहे हैं। मतलब आंकड़ों में भी एकरूपता क्यों नहीं देखी जा रही है? देखिए, 16,00,000 से ज्यादा हितग्राही वंचित हैं जी। टीएससी साहब के आंकड़े से बनवा दे। जो टीएससी साहब ने विभाग छोड़ा था, उन्होंने भी तो आंकड़ा दिया था, उतना बनवा दे। कौन रोका है उनको? उनके ही मंत्री ने आंकड़े दिया है, क्या वो भी फर्जी है? आज विधानसभा के जवाब में है जी। तो ये थे हमारे साथ नारायण चंदेल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पीएम आवास के मुद्दे को लेकर राज्य की सरकार काम नहीं कर रही है। कैमरा में रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परियार, आईबीसी 24 रायपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं जहां पर सभा होने जा रही है। राजेश, किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि हमेशा से बीजेपी हमलावर रही है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के और आज 1,00,000 लोगों के जुटने का दावा है, तो कितना जल्द समर्थन मिल पाएगा बीजेपी को आज के इस घेराव के साथ? देखिए, आज के इस घेराव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन यह माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को लेकर काफी समय से लगी हुई थी। इनके राष्ट्रीय नेता भी आया है, प्रदेश के नेता आया, और लगातार प्रदेश के सभी संभागों में, जिलों में, मंडल स्तर तक जाके बैठके लिए। और इनका दावा है कि आज का जो विधानसभा घेराव है वहां पर 1,00,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे और उसमें से ज्यादातर जो लोग रहेंगे वो प्रधानमंत्री आवास से प्रभावित होंगे। अगर हम बात करें तो अभी हम सभा स्थल पर यहां पर खड़े हुए हैं। यहां पर पीड़िता चौक है जहां पर सभा होने वाली है और
सभा होने के बाद फिर जो है यहाँ के कार्यकर्ता और जो हितग्राही है वो निकलेंगे घेराव के लिए। नितिन नवीन जी जो प्रदेश के सह प्रभारी है वो यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए हैं और धीरे धीरे लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा होते जा रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन यहाँ पर मौजूद है। 1 लाख लोगों को के भीड़ जुटने का आपने वादा किया है, कितने बजे यहाँ सभा शुरू होगी? और एक सवाल ये भी कांग्रेस अक्सर ये कर रही कि आप लोगों ने जो फॉर्म इकट्ठा किया है वो फॉर्म का आप लोग क्या करेंगे, और आंकड़े भी आपके नेता जो है अलग अलग दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रभावित लोगों के, इसके बारे में क्या कहना? आंकड़े हमारे नेता दे रहे हैं, जो उनकी आंकड़े हैं सरकार में तो वो बैठे हैं ना भाई, ये बात से इनकार कर सकते हैं कि 11 लाख लोगों का रिपोर्ट आया और 2011 के थी में जब उस समय उनकी ही सरकार थी और उनकी सरकार के सर्वे को भी वो नहीं मान रहे हैं। कहते हैं ना भूपेश की आदत है लटकाना भटकाना, वो लटकाने और भटकाने में लगे हुए हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि कितने गरीबों का जब पैसा आया लौटाया क्यों? टीएस सिंह जी के बोलो कि झूठा आदमी है, बोलो कि वो गलत बोला है, हिम्मत नहीं हो रही है क्या? आपके मंत्री बयान दे रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं, आप पहले उस पर सफाई दो। हमको हमारी क्या बात है वो जनता के बीच में है, जितने फॉर्म आए हैं वो सारे फॉर्म भूपेश आपके माथे के काले पोतेंगे। सर ये देखा जा रहा है कि 1 लाख की भीड़ का आप लोगों ने दावा किया था, 1:30-1 बजे सभा शुरू होने वाली, क्या 1 लाख भीड़ इकट्ठा हो जाएगी यहाँ पर? देखिए आप जो संख्या आने वाली है और जिस प्रकार से तैयारियां हुई हैं आप देखेंगे कि कांग्रेस के नेताओं के माथे पे जो राजेश है, 1 लाख लोगों के शामिल होने का दावा जरूर किया गया है। कांग्रेस पर हमेशा से हमलावर रही है बीजेपी, आवास योजना को लेकर के नजर आप भी बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया।